देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ईगो? ईगो टेक्निकली, साइकोलॉजिकली ईगो इज आवर आइडेंटिटी। मेरी जो पहचान है वो मेरी ईगो है। जैसे मेरा नाम सुरेश सेमवाल है, दिस इज माई आइडेंटिटी। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, दिस इज माई आइडेंटिटी। I am a father, I am a son, that is also my identity. I am an Indian. Now this is my, these are all my different identities. So technically, psychologically ego is your identity, but the problem is people don't understand that ego is useful to some extent. For example, agar aapke paas Indian hone ki identity na hoti to aapka aadhar card nahi banta। आपके पास आधार कार्ड नहीं होता तो आपको सरकार की जो दुनिया भर की स्कीम चल रही है इस देश में आपको उनका फायदा नहीं होता। अगर आपके पास एक सन की, डॉटर की आइडेंटिटी ना होती तो कोई पर्टिकुलर लोग आपका ध्यान नहीं रखते। सो आइडेंटिटी इज हेल्पफुल, बट बिकॉज ऑफ द ईगो द बिहेवियर ऑफ एरोगेंस इज हर्टफुल। आप ईगो को ऐसे ही समझिए जैसे आपने देखा ना, जहां कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। अब अगर वो छत डालनी है हमें तो नीचे सहारा जरूरी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब आपने छत डालनी है तो सहारा चाहिए, कुछ दिन स्कैफोल्डिंग को लगे रहना देना चाहिए ताकि वो छत डल सके। लेकिन जब वो छत डल गई है, 15-20 दिन वो अब धूप में सूख गई है, तो उसके बाद ये स्कैफोल्डिंग को हटाना बड़ा जरूरी है। आपको अपनी आइडेंटिटी से तो ऑपरेट करना होगा, नहीं तो आप समाज में ऑपरेट नहीं करते। अगर आपकी ईगो नहीं होगी तो फिर आपका कोई वजूद नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम ईगो का मतलब ये नहीं है कि हम अहंकारी हो जाएं। ओके, तो हम लोग ये टेक्निकली गलत वर्ड यूज करते हैं कि इसमें ईगो बहुत है। ईगो तो हम सब में है। द प्रॉब्लम इज विद एरोगेंस। ओके, एरोगेंस क्या है? एरोगेंस को आप इस तरीके से समझिए, आपको ये सामने घोड़ा दिखाई दे रहा होगा। इस घोड़े का नाम मैंने रखा हुआ मोती। बाय द वे, ये घोड़ा मेरी बेटी समृद्धि ने ड्रॉ करके दिया है मुझे। अगर आप इस मोती को देखें, ये बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन इस घोड़े में एक दिक्कत है, आप इस घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। आप इस पे बैठ तो जाओगे बट यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि इस पे काठी नहीं है, इस पे लगाम नहीं है। तो ये जो घोड़ा है हमारा अहंकार का प्रतीक समझिए आप इसको। ये हमारा जो बिहेवियर ऑफ एरोगेंस है ना, ये इसका प्रतीक है। जब भी आप और मैं एरोगेंटली बिहेव करते हैं तो आप ये समझिए कि आप इस मोती पे बैठे हुए हैं। अब इस मोती में समस्या क्या है? आप इसमें बैठ सकते हैं लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप ऐसे घोड़े पर बैठे हैं जिसमें ताकत है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये जगह जगह ले जा के आपकी बेइज्जती करा के लाता है इज्जत के नाम पर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए पति महाराज शाम को ऑफिस से घर आए हैं, घर आकर सोफे पे बैठे हैं और सपोज 1-2 मिनट हो गए, किसी ने अभी इनको पानी नहीं दिया, तो बस इनका मोती बिदक जाता है और क्या बोलते हैं ये, 1 घंटा हो गया घर आए हुए, किसी ने पानी तक नहीं पहुंचा। अब बताइए 1 घंटा हो गया, एक तो आपको खैर 1-2 मिनट हुए हैं, पर अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप अपने ही घर तो आए हैं, आप फ्रिज से खोल के पानी ले लीजिए। पर नहीं, ये मेरा मोती हर्ट हो जाता है कि मेरे घर में भी मेरे को इज्जत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैं किस चीज से ऑपरेट कर रहा हूँ? मेरी आइडेंटिटी, कि मैं इस घर का मुखिया हूं, इस घर में मुझे इन चीजों को मेरे साथ किया जाना चाहिए, वो मेरे इज्जत का प्रतीक है। नहीं, ये आपकी एरोगेंस है। राइट नाउ आप अपने ही घर में हैं, अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है तो आप पानी ले लीजिए, पर मोती बिदक जाता है। और आपको पता ना, जब मोती बिदक जाता है तो फिर पिताजी कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कई बार आपने सड़कों पे देखा होगा, कोई गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से जा रहा है, कोई पीछे वाली गाड़ी वाले ने थोड़ा तेज निकल के ओवरटेक कर लिया है तो लोग उस गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं, फिर उससे आगे निकलते हैं, फिर उसको घूरते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जब उसको घूर रहे हो उससे कोई सिग्नेचर वगैरह लोगे क्या? कुछ नहीं, बस उसको घूरना है। अच्छा, क्यों घूर रहे थे? क्योंकि मोती बिदक गया था। और फिर वापस आते हैं, यू टर्न लेके तसल्ली हो गई, क्या लाए वापस आप? शांत मोती। तो अब समस्या ये है कि क्या हम अपनी इस एरोगेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सवाल मैंने संजीव गुप्ता जी से पूछा था, जो कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, सर कि ये मैं दुनिया को बड़ा मोती समझा रहा हूँ पर मेरा खुद का मोती बड़ा बिदक जाता है जी। छोटी छोटी बात को हम प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। जैसे अगर सपोज, आजकल मैं देख रहा हूँ जी कई बच्चों में भी है ये, कि अगर पिताजी ने सपोज बच्चे को थोड़ा डांट दिया, थोड़ा ऊंची आवाज में कुछ कह दिया, वो बच्चों का मोती बिदक जाता है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे, अगर आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो कभी कभार अगर नाराज हो गए तो आपको डांट भी सकते हैं। पर माता पिता की डांट को भी बच्चे आजकल इज्जत का प्रश्न बना के बैठ जाते हैं, वो इट बिकम्स अ मोती इशू। आप सब बच्चे लोग जो आजकल व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, आपको पता है ना साहब, आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और वो दोनों ब्लू टिक लग चुके हैं और 10 सेकंड हो गए लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो मोती इशू हो जाता है। लोग रिलेशनशिप ब्रेक करने को तैयार रहते हैं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अगर मैंने फोन किया 2 घंटी बज गई अब तक इसने उठाया नहीं तो मेरा मोती इशू हो जाता है। तो मैंने संजीव जी से पूछा कि सर इस मोती का क्या करें। लोगों को लगता है कि शायद मेरा मोती बड़ा कंट्रोल में आ गया है, मैं बड़ा विनम्र हो गया हूँ, लेकिन मुझे तो अंदर से पता है कि मेरा मोती अभी भी कंट्रोल नहीं होता है। तो मुझे जो संजीव जी ने सुझाव दिया, जिस पर मैं आज तक काम कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरा सुझाव, जो मुझे सुझाव दिया गया है वो ये है कि ये जो मोती यानी हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसको जो कंट्रोल करने की इच्छा है ये भी हमारे अहंकार की ही प्रतीक है। ये हमारा खुद का अहंकार ही है जो कहता है हम अपने अहंकार पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम एक ही काम कर सकते हैं फिलहाल कि अपने इस अहंकार से उतरें कि हम अहंकार पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या करें, जब तक ये मोती हमारे पास है इसको इस्तेमाल कर लें। इसको इस्तेमाल कैसे कर लें? मोती को इस्तेमाल करिए, मोती को इस्तेमाल करिए किसी अपने ढंग के लक्ष्य के लिए। मेक सम वर्दी गोल्स फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कोई अच्छा लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने का फायदा क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये आपका प्रोग्राम करने के बाद सपोज, आजकल तो लॉकडाउन में कर नहीं सकता, पर सपोज अगर मुझे आपका ये प्रोग्राम करने के बाद फ्लाइट पकड़ने जाना होता और अब मैं रास्ते में अपनी गाड़ी से जा रहा हूं और अब मेरी गाड़ी के आगे पीछे कोई गाड़ी वाला अगर सपोज ओवरटेक या जिगजैग करेगा, तो क्या मैं उस गाड़ी वाले से उलझूंगा? उससे मैं नहीं उलझूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा लक्ष्य है, उससे बड़ा लक्ष्य मेरे पास है। तो अगर मेरे मोती के पास कोई लक्ष्य होगा तो मैं हर छोटी छोटी चीज को इज्जत का प्रश्न नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है तो मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति को अपना इज्जत का प्रश्न बना लेता हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे देखकर अगर स्माइल नहीं दी तो इज्जत लुट गई, किसी ने मेरी नमस्ते का जवाब नहीं दिया तो इज्जत लुट गई, किसी ने मेरे मैसेज को टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मेरी इज्जत का प्रश्न हो गया है। तो ये बार बार मोती आपको पेन पहुंचाता है, लेकिन ये मोती हेल्पफुल है अगर आप इसको लक्ष्य पर केंद्रित करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाऊंगा, इसको बनाओ प्रतिष्ठा का प्रश्न। मैं अपने देश का बेस्ट साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा, मैं अपने देश के लिए इस चीज की इन्वेंशन में योगदान दूंगा, इसको बनाइए प्रतिष्ठा का प्रश्न। मैं अपने खानदान का सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, बनाइए इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेरे बनाए हुए लेटर में गलती निकालना बहुत मुश्किल होगा, बनाइए इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न। लेकिन नहीं, लोग इसको नहीं बनाते प्रतिष्ठा का प्रश्न। प्रतिष्ठा का प्रश्न लोग किस चीज को बना रहे हैं कि मैंने नमस्ते की तो तुमने नमस्ते का जवाब दिया कि नहीं दिया, मेरा फोन उसी टाइम उठाया कि नहीं उठाया, और सामने वाले ने मेरे साथ किस तरीके से बातचीत की। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे, ट्रस्ट मी, ये मोती बार बार आपका टाइम वेस्ट कराएगा, आपको हर्ट फील कराएगा। ओके, तो आप स्वाभिमानी हैं या अभिमानी हैं, ये पता कैसे चलेगा? अपने आप से सवाल पूछिए, आर यू कंफर्टेबल इन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स? क्या आप दूसरे की तारीफ करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आप दूसरे से मदद मांगने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आपको माफी मांगने में कष्ट तो नहीं होता? क्या आप किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पर बिना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रह सकते हैं क्या? आर यू कंफर्टेबल इन रिसीविंग फीडबैक्स? क्या आप उन लोगों के साथ भी सहज रहते हैं जो आपसे असहमत होते हैं? अच्छा, क्या आप दूसरों की गलतियां माफ कर सकते हैं क्या, या कहीं आपको दूसरों में गलतियां निकालने में मजा तो नहीं आता? इन सवालों के जवाब अगर आप कॉन्शियसली दें तो आपको पता चल जाएगा आप में स्वाभिमान है या अभिमान है। स्वाभिमान आपको आगे ले जाएगा, अभिमान आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। सो द सॉल्यूशन, कुछ अपने लिए अच्छा गोल बनाइए। जिन लोगों ने आपसे गलती की है और आप उन्होंने आपसे माफी मांग ली है, उनको माफ कर दीजिए। आपने वो सुना है ना, हमने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, या तो माफी मांग ली या माफ कर दिया। और जो सबसे बड़ी चीज, अहंकार आदमी को कब होता है? जब उसको लगता है कि सब कुछ जो मैंने पाया है वो सिर्फ अपनी मेहनत से पाया, अगर आप सब लोग ध्यान दें जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसकी मदद किसी ना किसी ने ना की हो। देखिए, सबसे पहले हमारा इस दुनिया में वजूद अपने पेरेंट्स के कारण है। अगर वो ही ना होते तो हम ही ना होते। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया है तो आज हमको ये प्रेजेंटेशन देखने लायक, पढ़ने लायक बनाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संजीव गुप्ता जी मेरे मेंटोर हैं। अगर संजीव गुप्ता जी नहीं होते, आज मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं होता। लेकिन समस्या क्या होती है, जब आदमी थोड़ा कामयाब हो जाता है तो उसको लगता है कि बस ये सब मेरी मेहनत से ही हो रहा है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को है, एक थैंक यू जर्नल मेंटेन करें और उस थैंक यू जर्नल में रोज नोट करें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जीवन में आपको कामयाब बनाने में मदद की है या अभी भी कर रहे हैं। तो आपका ये मोती नामक घोड़ा अपने आप थोड़ा नियंत्रण में रहेगा।